दोस्तों, मैं हूं वरुण और इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनकी कीमत जो है वो 10,000 रुपये से कम है और ये इस कीमत में सैमसंग के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, बजट आपका 10,000 रुपये तक का है, तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखें, क्योंकि इस ब्लॉग को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है सैमसंग का इस बजट के अंदर। तो शुरू करते हैं इस टेक टॉक को। दोस्तों, 10,000 से नीचे के रेंज में सैमसंग के दो स्मार्टफोन हैं जो इस रेंज के सबसे बेस्ट हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं ये एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे के, यानी इन दोनों में कोई भी हार्डवेयर डिफरेंस नहीं है, बस नाम जो है वो अलग है। नाम बता देता हूँ, पहला जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F12 और दूसरा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M12। दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ अवेलेबल है और दोनों की प्राइस जो है 10,000 रुपये से कम है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, सैमसंग ने जो दोनों में फीचर्स दिए हैं वो टॉप नॉच के हैं। पहले बात करेंगे कैमरे की। कैमरा जो रियर साइड में इन दोनों में लगा हुआ है क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। बैटरी भी इन दोनों में काफ़ी बड़ी है, 6000 mAh की बैटरी है। 4GB रैम दोस्तों इसमें आपको मिलेगा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में। दो वेरिएंट हैं, एक 64GB के साथ आएगा और दूसरा 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले दोस्तों इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD+ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। और 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, 60Hz का आमतौर पर रहता है, इसमें 90Hz का है, जो कि गेमिंग में हेल्पफुल रहने वाला है। डिस्प्ले साइज इसकी 6.5 इंचेस की है और फ्रंट कैमरे की बात कर लें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अंत में प्रोसेसर की बात करते हैं, प्रोसेसर जो इन दोनों ही स्मार्टफोन में लगा हुआ है वो सैमसंग का अपना प्रोसेसर एक्सनॉस 850 है। इसका एंटूटू स्कोर है 1,00,000 के पार, यानी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है इस रेंज में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M12 दोनों ही आप ले सकते हैं। ऑफलाइन लीजिए या फिर ऑनलाइन लीजिए, कीमत 10,000 से इन दोनों की कम है और इस रेंज के या सैमसंग के अभी के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं। इनसे अच्छे स्मार्टफोन फिलहाल अवेलेबल नहीं है सैमसंग के। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।